आज के इस मीडिया इंटरेक्शन में हमारे साथ उपस्थित ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर स्टेट पेट्रोलियम नेचुरल गैस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री रमेश तेली जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भीमराम वागी जी, राज्य के हमारे सीनियर लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री जोन अमिन जी, श्री जिग्नू नामचुम जी जनरल सेक्रेटरी, श्री नालोंग जी जनरल सेक्रेटरी, और खास करके आप जितने भी जो आज प्रिंट मीडिया से, इसके बाद डिजिटल मीडिया से आप यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और हमारा भारतीय जनता पार्टी के ओर से आप सबको, मीडिया के दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके आज यहाँ इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे आए हैं अपना टाइम निकाल के। जैसे हमारा पार्टी प्रेसिडेंट और नालोंग जी ने जो ब्रीफ किया है, ये मीडिया इंटरेक्शन आज का जो मेन जो दिशा होगा, हमारा ऑनरेबल प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का 9 ईयर्स ऑफ गुड गवर्नेंस के ऊपर में क्या क्या मेजर अचीवमेंट्स किया हुआ है, उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। केंद्र से खास करके अपना ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रमेश तेली साहब को इस कार्य के लिए पार्टी ने उनको यहाँ पे डिब्यूट किया है मीडिया के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए। तो जस्ट स्टार्ट करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो 2014 में जो प्रधानमंत्री का पद संभाल के अभी 9 वर्ष पूरा होने जा रहा है, कल 30 तारीख को 9 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस दौरान देश में जो बड़ा उन्नति किया है वो डिटेली आप लोगों का बीच में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का रूप में आप लोगों को दिखाया जाएगा, और जिसका कॉपी भी ऑलरेडी आप लोगों को सर्कुलेट किया गया है। और ख़ास करके मैं यही स्ट्रेस देना चाहेगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो चेंजेस जो लास्ट 9 ईयर्स में आया है, क्योंकि आप लोग मीडिया बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट मीडिया बैकग्राउंड के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप सब लोग भी विटनेस रह चुका है कि 9 साल पहले नॉर्थ ईस्ट का क्या स्थिति था, अरुणाचल प्रदेश का क्या स्थिति था, आज आफ्टर 9 ईयर्स अपना अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट का क्या स्थिति अभी डेवलपमेंट के दृष्टि से हो, अभी बहुत अच्छा हम लोगों का हो गया है। अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में मैं हमेशा आप लोगों के साथ में चाहे इंटरेक्शन करता हूँ या चाहे पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, हमेशा हम कहते हैं कि अरुणाचल जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है और ज्योग्राफिकली भी बहुत टफ टेरेन है। लेकिन इसमें जो 9 ईयर्स में माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो सहयोग करके, भारत सरकार ने सहयोग करके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो यहाँ पे फेसलिफ्ट हुआ है, उससे हम लोगों को अपना प्रदेश का इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहयोग मिला है। अगर इकोनॉमी का बात करें तो आप GSDP को आप आंकड़ा आप लोग चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2015 में हम लोगों का GSDP अराउंड 17,500 करोड़ का था, अभी जाके 2023 में जाके अराउंड 48,000 करोड़ का हो गया है। GSDP में काफ़ी बड़ा उछाल हम लोग ने कर पाया है। स्टेट का बजट का भी अगर आप देखा जाए तो 2015 में केवल सिर्फ 12,000 करोड़ का बजट बनता था राज्य में, अभी आज अगर बजट के साइज़ के बारे में बात करें तो वी हैव टच 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ हम लोग ने छू लिया है। अब ये सब GSDP और बजट इंक्रीजमेंट में इसमें केंद्र सरकार का बड़ा सहयोग है। जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, आज यहाँ रोड्स का बारे में बताइए या चाहे एयर फोर्स के बारे में बात करें या चाहे रेलवे के बारे में बात करें या डिजिटल कनेक्टिविटी का बात करें, जो कोर इशू है हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो हमारा कनेक्टिविटी इशू को लेके था, उसको अभी काफ़ी हद तक अभी सॉल्व कर दिया है। और भी जो भविष्य में फ्यूचर में कनेक्टिविटी को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही बड़ा दिल होके अरुणाचल प्रदेश को सपोर्ट कर रहा है। आप सबको पता है कि पिछले 2 महीना पहले का ये कहानी है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने कुल मिला के 2,500 किलोमीटर का हाईवे प्रोजेक्ट अरुणाचल को इन प्रिंसिपल अप्रूव कर लिया है। 2 कैटेगरीज का हाईवे कंस्ट्रक्शन शुरुआत होगा, फ्रंटियर हाईवे जो पूरा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से लेके हमारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट टिल विजयनगर, ये करीबन 1,500 किलोमीटर का रोड बनाया जाएगा, और इंटर कनेक्टिविटी ये करीबन 1,000 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा, जिसके ऊपर में 3 एजेंसीज जो काम कर रहा है, स्टेट का PWD हाईवे,
इसके बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा में NHIDCL। तो ये तीन ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑलरेडी DPR प्रेजेंट ये प्रिपरेशन में काफ़ी एडवांस स्टेज में है। इसी साल टेंडरिंग होके काम भी हम लोग ग्राउंड में शुरुआत कर देगा। अभी हम पहाड़ों में बसने वाला लोग के लिए तो खास करके रेलवे जो है को भी हम लोगों का सपना में भी नहीं आता था, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा रेलवे से भी अभी हम लोगों का नेटवर्क जुड़ चुका है और पासीघाट का भी तक का भी अभी ऑलरेडी टेंडर भी हो चुका है और ऑन ग्राउंड काम भी अभी बहुत जल्द शुरुआत हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमको खबर मिला था कि रेलवे की ओर से वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन का भी कार्यक्रम इसी महीना में करने का वो लोग करेंगे बोल के खबर भी मिला था। तो ऐसे हो कि अरुणाचल का जितने भी जो फुटिल एरिया है अभी पूरा सर्वे का काम चल रहा है। जैसे ही सर्वे का काम हो जाता है तो ऑन प्रैक्टिकली ग्राउंड में रेलवे का कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरुआत हो जाएगा। एयरपोर्ट में हम लोग ने काफ़ी बड़ा एक बहुत यहाँ पे सी चेंज हम लोग ने डिफरेंस यहाँ पे अरुणाचल में लेके आया है। आप सबको पता है कि जो पुराना ज़माना जो 1962 में जो इंडो चाइना का जब वार हुआ था 62 में, उसमें जितने भी जो डिफंक्ट ALGs था उसको पूरा हम लोग ने बना दिया है। इसके साथ साथ फिर अपना जो पासीघाट और तेजू वो तो ऑलरेडी हम लोग ने उड़ान स्कीम से जुड़वा दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट एयरवेज में आप सबको पता है कि जो होलोंगी में जो अपना एयरपोर्ट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अभी जो धोनी पोलो एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसका फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में इसको फाउंडेशन स्टोन ले किया। कोविड के होने का बावजूद भी वो विद इन 3 ईयर्स हम लोग ने कम्प्लीट करके लास्ट ईयर से अभी फ्लाइट हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। इससे अरुणाचल में अभी टूरिज्म का क्षेत्र में हो चाहे इन्वेस्टमेंट या बिजनेस का क्षेत्र में हो हमारा यहाँ पे चाहे हेल्थ सर्विस के क्षेत्र में हो हर एक सेक्टर में एजुकेशन क्षेत्र में हो काफ़ी इसमें हम लोगों को मदद मिला है। अभी जो चौथा जो कनेक्टिविटी है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा पब्लिक को भी ये हमेशा हम बोलते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का जो विजन कंट्री में जो उन्होंने शुरुआत किया है 2014-15 से लेके, तो अभी इसमें हम लोगों को इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स हो वो डिजिटल माध्यम से जुड़ रहा है और हमारा जो ऑफिस का फंक्शनिंग भी है वो पूरा डिजिटल माध्यम से हम लोग ऑलरेडी जोड़ चुका है। तो डिजिटल कनेक्टिविटी को पुश करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकार का ये एक अपना प्रायोरिटी एक सेक्टर है। कुछ दिन पहले माननीय हमारा कम्युनिकेशन और IT मिनिस्टर अश्विनी साहब ने मोर देन 200 टावर्स का उन्होंने उद्घाटन किया है और बीच बीच में जो भी टावर्स कंप्लीट हो जाता है वर्चुअली वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और वहाँ के गाँव वाले हमको भी फ़ोन करके थ्रू वीडियो इंटरेक्शन हमसे भी बात होते रहता है। तो टारगेट हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने भी जो अभी टावर्स अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में खास करके जो फॉरवर्ड एरियाज में काम जो चल रहा है वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट इट बाय दिसंबर 2023। सो इस प्रकार से मेजर काम काफ़ी हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज, आप सबको पता है कि अरुणाचल वाज द लोन स्टेट इन द एंटायर कंट्री जहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी नहीं था, उसमें भी हम लोग ने ट्रिम्स जो हॉस्पिटल है उसको हम लोग ने शुरुआत करके इस साल फर्स्ट बैच ऑफ डॉक्टर्स वहाँ से पास हुआ है। और साथ साथ सैनिक स्कूल, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के हमारे पूरा जनता काफ़ी पेट्रियोटिक है तो सैनिक स्कूल का भी शुरुआत हम लोग ने पासीघाट से हम लोग ने कर दिया है और तवांग में भी PPP मोड में एक सैनिक स्कूल लास्ट ईयर से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। सो इस प्रकार से हर एक सेक्टर में काफ़ी बड़ा काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत उन्होंने जो एक संकल्प दिया इस पूरे देश को, तो राज्य में भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ है। आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना, सो ऐसे करके हम लोग जितने भी जो खास करके वुमेन ग्रुप को हम लोग जोड़ने का पूरा कोशिश कर रहा है। हमारा ये मानना है कि अगर अरुणाचल प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो हमारा रूरल इकोनॉमी में हम लोगों को फोकस करना होगा। रूरल इकोनॉमी मतलब विलेज का इकोनॉमी। और हमारा यहाँ पे क्योंकि महिला लोग इन ट्राइबल सोसाइटी बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, तो पिछले 4-5 सालों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये इनिशिएटिव रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्मेशन करके
उनको ट्रेनिंग दे के और उनको कुछ इंसेंटिव्स दे के उस मॉडल को हम लोग जनरेट सक्सेसफुली हम लोग ने कर पाया है। रफली अराउंड आज का सिचुएशन में अराउंड 70,000 वुमेन्स लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जुड़ के अक्रॉस स्टेट में अभी काम चल रहा है। जैसे कि हमारे अरुणाचल के सीएम ने आप लोगों को कहा गया कि हमारी सरकार की कल 9 साल होने जा रही है और आज हम भारत के हर एक राज्य के में एक एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारी सरकार की जो नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल बेमिसाल के बारे में आप लोग को हम बताने के लिए आज यहाँ आमंत्रित किए हैं और हमारी सरकार 9 साल में हम क्या किए हैं उसको एक प्रेजेंटेशन आप लोग दिखाएंगे कि हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी सरकार की मोदी जी की सरकार की मैंने कहा जैसे 9 साल बेमिसाल जो हम काम किए हैं उसके आप लोग प्रचार करें, क्योंकि हो सकता अरुणाचल के ऐसे गांव हैं जहां की हमारी मोदी जी की सरकार की जो स्कीम है स्कीम के बारे में हो सके कोई नहीं भी जान सकते हैं, इसलिए आज आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। गोवा में एक मेगा फूड पार्क का भी मैंने सैंक्शन दिया था भारत सरकार की तरफ से, उसी तरह से मिनी फूड पार्क भी एक सैंक्शन नामसाई में भी दिया गया था। तो इस तरह से भारत सरकार अरुणाचल के बारे में सोचते हैं करते हैं, उसी तरह से आप लोग बताना चाहता हूँ कि हम इंद्रधनुष नाम के एक कंपनी बनाए और इंद्रधनुष मतलब इंद्रधनुष में 7 रंग होती है और 7ों स्टेट में मतलब 8 स्टेट में हम पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिए हैं, जो ईटानगर से ईटानगर तक भी हमारी इंद्रधनुष के द्वारा काम होगी। ईटानगर के लोग भी पाइपलाइन गैस के द्वारा घर में घर घर हम पहुंचाने के लिए भी अपना मंत्रालय की तरफ से काम शुरू कर दिए हैं, ये भी आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। साथ ही साथ हम मैंने कहा कि मैं लेबर डिपार्टमेंट के भी मैं मंत्री हूँ, तो हम लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से हम ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, करीब 38 करोड़ असंगठित मजदूरों को हम ई श्रम कार्ड बना रहे हैं और हमारी एक टारगेट भी है अरुणाचल के लिए इतना बनाना ही है। अभी तक करीब हम 30 करोड़ लोगों को अभी तक ई श्रम कार्ड बना चुके हैं और ई श्रम कार्ड बनाने से क्या फ़ायदा है कि कोई कारण से अगर वो व्यक्ति मित्र हो जाती है तो उसका परिवार को 2 लाख रुपये मिलेगा। और इस ये जो आपने जो प्रश्न उठाया है निर्जुली से सॉरी बंदरदेवा से, इनफैक्ट बंदरदेवा से लेके नाहरलगन तो ये नेशनल हाईवे का अपना जो प्रोजेक्ट है इसका पैकेज नंबर आई थिंक बी एंड सी पड़ता है। नाहरलगन पोर्शन जो है पैकेज बी के अंदर में आता है और फर्दर जो है बंदरदेवा वाला पोर्शन जो है वो पैकेज सी में आता है। इसका ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और दोनों एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ग्राउंड में अभी काम चल रहा है। रिसेंटली जस्ट मैं दिल्ली जाने से पहले पीडब्ल्यूडी और आरडब्ल्यूडी जो मेजर रोड्स का पूरा हमने रिव्यू लिया था
तो इसमें भी हाईवेज में इसका भी हमने रिव्यू लिया था। तो एज पर डिपार्टमेंट का मुताबिक जो है, जो हाईवे कंस्ट्रक्शन का अपना एक नॉर्म्स होता है, माइलस्टोन वो लोग सेट करते हैं, फर्स्ट माइलस्टोन, सेकंड माइलस्टोन, थर्ड माइलस्टोन। तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का कहना है कि दोनों प्रोजेक्ट जो है एज पर माइलस्टोन अभी अचीवमेंट ऑन ग्राउंड में है, तो गवर्नमेंट तो भी एक्शन ले पाएगा। जो कॉन्ट्रेक्टर जो माइलस्टोन अचीव करने का जो फेलियर हो जाएगा तो गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले पाएगा। अभी फिलहाल डिपार्टमेंट का मुताबिक, एग्रीमेंट का मुताबिक जो माइलस्टोन सेट हुआ है उसको मुताबिक से काम अभी ठीक ही जा रहा है बोल के ये रिपोर्ट में आया है। No, sir. My question is to CM sir and someone sir. I'm so sorry I didn't get your name, but my question goes to both the sirs who are sitting in the panel. If you look at this year's past percentage of 10th and 12th by government school, it's really big percentage, sir. It's been 2011, the last census was taken, and we are, as Arunachal Pradesh was placed second last, sir. So if you look, since this is the 9 years of completion of Modi government, I wanted to know, with so many elaborate schemes have been put forward in Arunachal Pradesh, so in the education sector, but still we are not seeing any progress, especially in the government sectors. So what would be your response to that? Yes, you have rightly pointed it out. इस बार का जो रिजल्ट था कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से कंपेयर करने से क्लास 10, 12 का शायद रिजल्ट थोड़ा सा परसेंटेज टर्म्स में काफ़ी घटा हुआ है। इसको चल के ऑलरेडी आई हैव डायरेक्टेड माय मिनिस्टर एजुकेशन कि इसका कारण क्या है, इसका रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। मिनिस्टर ने ऑलरेडी मीटिंग ले चुका है, क्योंकि मैं आज सुबह से ही अभी तक ऑफिस और घर भी नहीं पहुँचा हूँ, सीधा एयरपोर्ट से आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। तो यहाँ से अभी कल जब ऑफिस जाएंगे तो मिनिस्टर साहब विल सबमिट ए रिपोर्ट कि इस बार का जो रिजल्ट्स जो ख़राब हुआ है, किन किन कारण, क्या क्या फैक्टर्स का मुताबिक से ये रिजल्ट्स जो थोड़ा सा खराबी हुआ है, इसके ऊपर जब रिपोर्ट आने के बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसको।